हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो होने वाली है जूसी चिकन फ्राइड राइस के बारे में। तो फटाफट से चलते हैं किचन में, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और बताइए मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। ये मेरे अंदर वाले कमरे का बैकग्राउंड है। मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज, ये ले लिया है मैंने कच्चा चिकन, बोनलेस है ये हमारा चिकन। अब इसके अंदर हम मैरिनेट करने के लिए सिस्टम सारा ऐड कर लेते हैं, जो जो हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, ये आ गया हमारा मिर्च, ये हमने ऐड कर लिया। और इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं नमक। अभी अब मैं ऐड कर लेता हूँ उसके अंदर नमक। ये आ गई है नमक इसके अंदर, तो ये आ गई हमारी शेजवान चटनी। शेजवान चटनी इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। पहले एक चम्मच, ये रही हमारी चम्मच, ये ले ली हमने शेजवान, इतनी ही ऐड करेंगे बस। अब इसको करके बंद करके रख देते हैं ऊपर। अब थोड़ी सी एक चीज़ और हम ऐड करने वाले हैं, वो है हमारी जो मलाई होती है ना। आप चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मलाई ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आ गई है मलाई। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब मैं इसको कर लेता हूँ अच्छे तरीके से मिक्स। पहले इस चम्मच से करता हूँ मिक्स। वह जाती है शेजवान चटनी वाली, थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं करना है बिकॉज हमें। ये देखिए, अच्छे से हो गई है मिक्स, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये लगभग 250 ग्राम के आसपास चिकन होने वाला है। तो ये देखिए, मैंने बढ़िया से मिक्स कर दिया। अब इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए ना हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, लगभग 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद बनाएंगे हम रेसिपी। तो मिलते हैं 1 से 2 घंटे बाद। देखिए, ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने इसे 2 घंटे पूरा फ्रिज में रखा हुआ था मैरिनेट करने के बाद। तो अब ये हो चुका है बढ़िया तरीके से। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उतारना है पैन। ये आ गया हमारा पैन, और अब मैं कर लेता हूँ गैस स्टार्ट। ये देखिए, गैस हो गई है स्टार्ट। अब इसके अंदर हम डाल लेंगे थोड़ा सा घी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा घी। ये आ गया हमारा घी, थोड़ा सा और ले लेते हैं बस। और इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, ताकि हम इसको अच्छे से फैला लेते हैं। ये देखिए, हल्का सा ही ऐड करना है, ज्यादा नहीं। और अब इसको कर लेते हैं मिक्स। ये देखिए, ये हो चुका है बढ़िया से मिक्स। अब हम ये सब डाल देते हैं इसके अंदर। सारे पीसेस इसके अंदर डाल देते हैं, उसको पकने देंगे हम। ये देखिए, सारा बोनलेस चिकन ही है ये, बोन वाला इसमें कोई भी चिकन नहीं है। ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप, इसे इतना खतरनाक लग रहा है ये देखने में। ये देखिए, ये देखिए, वाह लग रहा है, वाह। हल्का सा वाटर और लेके इसमें ऐड करके डाल देंगे। अब इसको पकने देंगे हम, उसको ढक देते हैं। गैस मैंने फुल कर दी है, और ये आ गई है हमारी प्लेट। इस प्लेट को हम ढक देते हैं ऊपर। अभी इसके अंदर और सामान भी डालेंगे, अभी पहले इसको पकने देते हैं। इतना ये पक रहा है, इतना हम इधर से अपना वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं, क्योंकि हम बनाने वाले हैं फ्राइड राइस चिकन से। तो ऐसे कट कर लेते हैं। हो गया है। अब एक बार हम चिकन चेक कर लेते हैं कैसा हो रहा है मामला।
गैस कर दिया मैंने स्लो, इसको एक बार चला के देख लेता हूँ। ये मैंने बड़ा वाला रमचा ले लिया, देखिए काफी हद तक चिकन पक भी चुका है यार। चेक करते हैं चिकन पीछे, थोड़े से कच्चे हैं अभी, ये देखिए थोड़े से कच्चे हैं अभी, थोड़ा सा और इन्हें पकने की ज़रूरत है अभी। तो हम क्या करने वाले हैं अब ना, इसको थोड़ा अलग ही स्टाइल करने वाले हैं। इसके अंदर हम और वाटर ऐड करने वाले हैं अभी, देखते रहिए। ये आ गया हमारा वाटर। अब इसके बाद मैं करने क्या वाला हूँ, इसके अंदर ना चिकन मसाला ऐड करने वाला हूँ। ये आ गया, चिकन मसाला आ गया। ये हल्का सा धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। ये देखिए हल्का सा चिली पाउडर ऐड करने वाला हूँ, बहुत लाइट चिली पाउडर, बहुत लाइट लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैं इसमें चिली पहले ही डाल चुका हूँ। और हल्का सा नमक आने वाला है, क्योंकि मैंने पानी ऐड किया है इसलिए हल्का सा नमक भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा हमें। ये आ गई देखिए, अब हम क्या करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये हो गया है अब ना, इसको हम हल्का सा ग्रेवी वाला बना रहे हैं, बिकॉज इसलिए हम इसमें ऐसे करके ऐड कर रहे हैं। अब देखिए गैस में फिर से तेज कर रहा हूँ और इसको फिर से मैं ढक देता हूँ ताकि ये अच्छे से पक चुके। अभी आधा ही ये पका है, आधा और इसे पकना है, तो अब मैं इसको ढक करके इसका हैंडल उसको ढक देता हूँ। मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो ये हो गई हमारी फ्राइड राइस की तैयारी स्टार्ट। अब हमने पैन रख दिया है, कढ़ाई वाला पैन रख दिया है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं घी, इतना घी मैं यूज करने वाला हूँ और मैं पूरे कुनबे के लिए फ्राइड राइस बनाने वाला हूँ आज। मतलब मेरे घर में 4 जने हैं, 4 जनों के लिए फ्राइड राइस बनाने वाला हूँ मैं। ये देखिए ये गरम हो रहा है घी हमारा, जैसे ही घी गरम हो जाता है होने लगा है मतलब। अब हम इसके अंदर ये सब्जियाँ ऐड करने वाला हूँ मैं सारी। ये आ गई हमारी बड़े तरीके सॉल्टे कर लेते हैं, जैसे कि हर बार हम सॉल्टे करते ही अपनी सब्जियां। ये देखिए अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं चिली पाउडर। ये आ गया हमारा चिली पाउडर इसके अंदर। चिली पाउडर आने के बाद इसके अंदर हमारा आ रहा है अब धनिया पाउडर। गैस कर देते हैं इसको। ये आ गया हमारा धनिया पाउडर इसके अंदर। चिली पाउडर धनिया पाउडर डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं शेजवान पाउडर। शेजवान जो मसाला होता है ना फ्राइड राइस वाला, देखिए शेजवान फ्राइड राइस मसाला, ये हम इसके अंदर अब डालने वाले हैं। थोड़ा सा बचा है डाल देता हूँ, ये भी डल गया है। इसको कर लेते हैं मिक्स। अभी मैं नमक नहीं डाला है इसके अंदर, नमक हम चावल डालने के बाद डालेंगे। ये देखिए अब इसको हल्का सा ना होने सॉटे होने देते हैं इसे। इतना अपना चिकन चेक कर लेते हैं आओ।
ये तो सॉर्टे हो ही गया, हो रहा है। चिकन चेक करते, ये देखिए चिकन मस्त हो गया बिल्कुल। गैस कर देते हैं बंद, जलने लगा है बिल्कुल, बंद कर दिए मैंने गैस। ये चला के आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए चिकन हो गया है हमारा बढ़िया एकदम। ये देखिए बिल्कुल मस्त कर दिए मैंने गैस बंद। ये देखिए कितना सही हो गया यार, ये पूरा अच्छे तरीके से पक चुका है मस्त। अब इसको ऐसे ही रखे रहने देते हैं, तब तक हम फ्राइड राइस अपने बना लेते हैं। ये तो हो ही गया है, अब आ रहे हैं इसके अंदर खिले खिले राइस जो हम डालने वाले हैं। ये देखिए इसीलिए मैंने नमक नहीं डाला था, क्योंकि नमक मैं राइस देख के डालने वाला हूँ कि कितनी नमक डालनी है। ये आ गए हमारे राइस, थोड़े से और ऐड कर लेते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कुनबे के लिए बना रहा हूँ। तो ये आ गए हमारे सारे राइस, इसको गैस कर देते हैं स्लो और एक दो मिनट के लिए इसको ऐसे ही सॉटे होने देते हैं। देखिए गैस मैंने कर दिया है स्लो, एक दो मिनट इसे सॉटे होने देते हैं, फिर हम सीधा इसके अंदर मसाला मिक्स करेंगे। ये देखिए सॉटे हो चुके हैं अब राइस, तो अब सीधे हम इसको मिक्स करके दिखा रहे हैं आपको। कैमरा मैन थोड़ा सा कैमरा ऊपर करो जिससे क्लियर दिखे। ये देखिए भाई इसके अंदर ना खुशबू बहुत खेड़ी आ रही है, बेकराल खुशबू आ रही है, इसे कहते हैं ना बेकराल खुशबू, बिल्कुल खतरनाक एंडलेस खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर जो है सोया सॉस नहीं डाल रहा हूँ, बिकॉज शेजवान मसाला इसके अंदर पड़ा हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें सोया सॉस डालूँ कमेंट करिए, ऐसे तो कहते हैं ना, कमेंट वगैरह कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। सोया सॉस फिलहाल मैं इसके अंदर नहीं डालने वाला हूँ, ऐसे ही रहेगा ये। अब इसके अंदर बारी है नमक डालने की, नमक और मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ, बिकॉज नमक मैंने ऐड नहीं किया है इसके अंदर अभी तक। ये नमक डाल रहा हूँ मैं स्वाद के अनुसार, हो गया नमक ऐड, अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। ये देखिए यार देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, टेम्पटिंग सा लग रहा है बहुत ज्यादा, और कलरफुल तो है ही साथ के साथ। आप इसमें ना कोई जरूरी नहीं है न्यू राइस ऐड करें, आप भी रखे हुए राइस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने रखे हुए राइस यूज किए हैं इसके अंदर, तो आप भी वही यूज कर सकते हैं, इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है कि वही राइस यूज करने हैं जो आपको नए बनाए हैं आपने। देखिए हो चुके हैं ये, थोड़ा सा ना इसको फ्राई करने के लिए गैस कर देते हैं तेज, मैंने गैस तेज कर दिया थोड़ी देर के लिए इसमें। ये देखिए फ्राइड राइस हो चुकी है ये तैयार, अब इसको गैस कर देते हैं स्लो, और ये रहा हमारा पैन चिकन वाला, इसके अंदर हम अपना डाल लेते हैं फ्राइड राइस। ये देखिए ट्रांसफर कर लेते हैं जितने हमें इसके साथ रखने हैं। ये देखिए ये आ चुके हैं इसके साथ राइस, अब ये बन गया हमारा चिकन फ्राइड राइस, वो भी बढ़िया तरीके से पका हुआ चिकन है इसके अंदर। और ये देखिए मैं इसको सीधा करता हूँ सर्व, और सर्व करके आपको खा के दिखाता हूँ सीधा। ये रहा हमारा जूसी चिकन फ्राइड राइस, इसको आपको टेस्ट करके बताते हैं। देखिए चिकन के पीसेस भी यार कितने खतरनाक पके हुए हैं पूरे बढ़िया तरीके से, अब हम इसे टेस्ट करके आपको दिखाते हैं, लेट्स ईट इट। बहुत खतरनाक लग रहा है भाई खाने में, एकदम मस्त, बहुत बढ़िया मस्त एकदम, आपको जरूर ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी यार। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नॉट पीस गेम्स।